अब अपने शहर गोड्डा में भी खुल गया है इवेंट प्लानर का ऑफिस, ब्रदर्स इवेंट्स एंड वेडिंग प्लानर। अब अपने घर में किसी भी तरह का इवेंट करना हो, जैसे शादी, रिसेप्शन, शादी सालगिरह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश या कोई ऑफिस का शुभारंभ, तो आप सारी सुविधाएं यहां से पा सकते हैं। हमारे पास सारी व्यवस्था उपलब्ध है। अपनी महफिलों को बनाएं यादगार ब्रदर्स इवेंट एंड वेडिंग प्लानर के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा पता है शांति नगर मिशन ब्लॉक रोड गोड्डा। आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। गोड्डा जिला के मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे शनिवार को एक अज्ञात विचित्र महिला का शव बरामद किया गया। बताया जाता है कि मृतका महिला हॉस्पिटल के आसपास पिछले 2-3 दिनों से बीमार थी। वहीं महिला की मौत की खबर ग्रामीणों ने मेहरमा पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर मेहरमा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेज दिया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम में भेज जाने तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ललमटिया थाना अंतर्गत हाट डुमरिया में 2 अज्ञात अवैध बालू से भरा ट्रैक्टर ग्रामीणों ने पकड़कर ललमटिया थाना को सूचना दी। थाना प्रभारी ललित कुमार पांडे, ASI इंदेश शुक्ला दलबल के साथ डुमरिया पहुंचकर दोनों ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिए। वहीं ट्रैक्टर को थाना भेज दिया गया। इसके बाद आगे कार्रवाई को लेकर खनन विभाग को सूचना दे दी गई। देवघर के विष्णुकांत झा ने मधुपुर उपचुनाव के लिए खरीदा नामांकन पत्र। बता दें कि विष्णुकांत झा, जो कि निशिकांत दुबे के काफी करीबी माने जाते थे, निशिकांत दुबे का ही उन्होंने कई मामलों में विरोध किया और उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। बीते कुछ दिनों से राजनीतिक कार्यों में काफी चहल पहल देखी जा रही है और मधुपुर उपचुनाव में नामांकन पत्र खरीदने के बाद काफी लोगों में विभिन्न तरीके की बातें उठ रही हैं। गोड्डा मार्केट में होली को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बीते कई दिनों से विभिन्न राजनीतिक दलों व संस्थाओं में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। लोग काफी उत्साह में होली मिलन समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं और गोड्डा मार्केट में काफी चहलकदमी भी देखी जा रही है, क्योंकि कल और परसों 2 दिन होली मनाया जाएगा, जिसको लेकर आम लोग खरीदारी पे जुटे हैं। हालांकि बीते पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष मार्केट में चहलकदमी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी लोग खरीदारी करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना बीमारी को रोकने को लेकर सरकार द्वारा इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन शिविर का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मुफ्त टीका देने का कार्य कर रही है। इस दौरान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को देवघर जिले के विभिन्न प्रखंड अंतर्गत हर पंचायत भवन में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इतिहास में पहली बार गोड्डा कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने होली के पहले प्राचार्य सतीश चंद्र पाठक के नेतृत्व में होली मिलन कार्यक्रम मनाया। उपायुक्त महोदय गोड्डा भोर सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक गोड्डा YS रमेश के द्वारा संयुक्त रूप से समाहरणालय स्थित सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड सरकार द्वारा प्रसारित आदेश में निर्देशित किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के साथ साथ झारखंड राज्यों में भी COVID-19 सेकेंड वेव के संक्रमण होने की सूचना मिल रही है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से गोड्डा सदर अनुमंडल में भी COVID-19 के संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। मुफस्सिल थाना में होली पर्व के अवसर पर थाना प्रभारी ज्योतिष कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ मोटरसाइकिल से फ्लैग मार्च में विधि व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतु थाना क्षेत्र में प्रस्थान किए।